तो दोस्तों कल यानी 23 अप्रैल को एनवीडिया ने लॉन्च किया था एक नया जीपीयू जो है GTX 1650। तो थैंक्स टू गीगाबाइट एंड एनवीडिया वो कार्ड हमारे पास आ चुका था। इसका अनबॉक्सिंग मैंने कल ही चैनल में डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। तो कल जिस टाइम पर मैंने ये वीडियो डाला था इस कार्ड का, उस टाइम पर ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए बेंचमार्क में नहीं कर पाया था। लेकिन आज हमारे पास ड्राइवर्स अवेलेबल था, इसीलिए हम लोगों ने बेंचमार्किंग कर लिया है। लगभग 6 या 7 घंटे लगे इसको पूरा बेंचमार्क करने के लिए। बहुत सारे गेम्स मैंने खेले हैं, कुछ बेंचमार्किंग ऐप्स में मैंने चलाया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रतीक, हार्डवेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है और बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। मैंने कुछ बेंचमार्किंग ऐप रन किए थे, उसका जो रिजल्ट है आपके स्क्रीन में है। और दोस्तों जितना सारा गेम्स मेरे दिमाग में आया मैंने वो सब खेल लिया है, उम्मीद है आपको बेंचमार्किंग अच्छा लगेगा। चलिए बेंचमार्क को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या ख्याल है, ये कार्ड प्राइस के लिए जस्टिफाइड है या नहीं? जो यूनिट मेरे हाथ में है गीगाबाइट का, ये विंडफोर्स ओसी एडिशन, इसका प्राइस है लगभग 13.5K। तो मुझे लगता है कि प्राइस जस्टिफाइड है। पिछले जनरेशन के जो 1050 Ti था उससे इसका जो परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा सिमिलर है या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा है। मेरे पास एक्चुअली अभी तक कोई 1050 Ti नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक 1050 Ti लाने का इसके साथ कंपेयर करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है वो मिल जाएगा और इसके साथ मैं एक कंपेरिजन वीडियो बना पाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है ये कार्ड बहुत ही अच्छा है और बहुत कूल भी चलता है। इतना गर्मी है यहाँ पर, आप देख सकते हो मेरा तो पसीना आ ही चुका है। तो मैं देख रहा था कि जितना टाइम मैंने गेम खेला ये 67 to 70 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर टेम्परेचर इसका नहीं गया।
मैं टोटली एयर कूल्ड एक सिचुएशन में रहता हूँ और मेरे घर में एसी भी नहीं है, लेकिन ये कार्ड मुझे लगा कि ठीक ठाक ही है। 67-70% कॉमन है, डुअल फैन डिज़ाइन है, कूलर भी काफ़ी ठीक ठाक है और कभी भी थर्मल थ्रॉटल ये नहीं करता है। मैंने खेला है बहुत सारे गेम, आपने तो देखा ही होगा बेंचमार्क में भी, तो मुझे लगता है कि यह कार्ड बैंक फॉर द बक है। लेकिन मुझे अब देखना पड़ेगा कि ये 1050 Ti या फिर इससे इसका जो बड़ा भाई है 1660 उससे कितना कम है इसका परफॉर्मेंस। तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कुछ कंपैरिजन वीडियो लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।